और छत्तीसरी का कंप्यूटर मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगी। पार्ट दो, कंप्यूटर परिवार। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग हम गणना करने के लिए करते हैं। मॉनिटर, मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट जिसमें हम डाटा एकत्रित करते हैं उसे हम मॉनिटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर, रंगीन मॉनिटर। तो मोनोक्रोम मॉनिटर क्या होता है? शेष शाम होते हैं और इसमें डाटा या पिक्चर दिखाई देता है। रंगीन मॉनिटर, तो इस प्रकार के मॉनिटर में जो डाटा होता है और पिक्चर वो रंगीन दिखाई देता है। सीपीयू क्या है? तो सीपीयू में हम सभी प्रकार की गणनाएं कर सकते हैं और कंप्यूटर में सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। और जैसे कि हम कुछ भी सोचते हैं, याद रखते हैं, उसी का प्रकार कंप्यूटर भी सीपीयू से सोचता है और डाटा को याद रखता है। कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड पर हम कुछ भी अक्षर टाइप कर सकते हैं और कीबोर्ड पर अनेक प्रकार की कीज होती है और कीबोर्ड में 100 से अधिक कीज होती है। तो कीबोर्ड के जो कीज है उसके बारे में हम विस्तार से बताते हैं। अल्फाबेट कीज, न्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज, कर्सर, कंट्रोल की, शिफ्ट की, डिलीट की, बैक स्पेस की। तो अल्फाबेट की, तो इसमें क्या होता है? इसमें अंग्रेजी के ए से जेड तक अक्षर लिखे होते हैं। न्यूमेरिकल कीज, तो इसमें क्या होता है? शून्य से नौ तक की संख्या लिखी होती है। फंक्शन कीज, तो इसमें F1 से F9 तक की फंक्शन कीज होते हैं जिसका अपना अपना अलग अलग कार्य होता है। कर्सर कंट्रोल कीज, तो इसमें चार प्रकार की कीज होती है जो चार दिशाओं में अलग अलग तीर के निशान से बने होते हैं जिसका उपयोग कर्सर में स्क्रीन को घुमाने के लिए किया जाता है। शिफ्ट कीज, तो शिफ्ट कीज क्या है? तो इसमें जो भी अक्षर हम लिखते हैं उसे कैपिटल में बदल सकते हैं। डिलीट की, डिलीट क्या है? डिलीट की, तो ये कर्सर में हम जो भी लिखते हैं उसको दाई ओर से मिटा सकते हैं। बैक स्पेस की, तो ये क्या है? बैक स्पेस की, इसमें भी हम कर्सर की सहायता से जैसे बाई ओर जो भी लिखा है उसे मिटा सकते हैं। तो आज की पढ़ाई हमारी यहीं तक पूरी हो रही है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आगे की पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।